नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भूपेश बघेल की कैबिनेट मीटिंग हुआ समाप्त। जी हां, सहायक शिक्षकों को लगा झटका, न वेतन विसंगति दूर हुई और न मिला पदोन्नति की सौगात। जी हां साथियों, सहायक शिक्षक वाले साथी लंबे समय से, कई सालों से वेतन विसंगति दूर होने का इंतजार कर रहे थे और इसको लेकर प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग के निर्णय के बाद सहायक शिक्षक साथियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, ना उनकी वेतन विसंगति दूर हुई और ना ही उनको प्रमोशन की सौगात मिली, पदोन्नति की सौगात मिली। क्या है पूरी माजरा, क्या है पूरा अपडेट, विस्तार से बात करते हैं। तो आज की कैबिनेट मीटिंग में सहायक शिक्षकों के पदोन्नति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सहायक शिक्षकों के उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। पिछले 5 वर्षों से प्रदेश के एलबी संवर्ग के सहायक शिक्षक वेतन विसंगति के मुद्दे पर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे, चाहे हड़ताल के माध्यम से हो, ज्ञापन के माध्यम से हो या अन्य तरह तरह के विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुँचा रहे थे। वेतन विसंगति तो दूर हुई नहीं, लेकिन आज के कैबिनेट बैठक में सहायक शिक्षकों के लिए कम से कम पदोन्नति की सौगात मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पर भी आज की कैबिनेट मीटिंग से पानी फिर गया है। जी हां साथियों, एक बार फिर से रिलैक्सेशन देकर पदोन्नति देने की हुई थी चर्चा। पिछले एक माह से सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधिगण माननीय आलोक शुक्ला सर के संबंध में चर्चा लगातार कर रहे थे। वही संघ के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगति के विकल्प के तौर पर सभी सहायक शिक्षकों की पदोन्नति पर सहमति की बात कर रहे थे। वहीं आज के कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर प्रस्ताव पास होने की उम्मीद थी, लेकिन 50,000 सहायक शिक्षकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। आचार संहिता लगते ही पदोन्नति की उम्मीद भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आचार संहिता को देखते हुए आज के बैठक में तत्कालिक बुलाई गई थी। वैसे तो आज के बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे, लेकिन सहायक शिक्षकों के संदर्भ में कोई भी चर्चा नहीं ली गई। इस तरह से अब आगामी चुनाव और उसके नतीजे तक सहायक शिक्षकों की कोई पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद ही नियम में संशोधन किया जा सकता है। पिछले वर्ष 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के अनुभव पर पदोन्नति दी गई थी, हालांकि उक्त पदोन्नति में से बहुत कम शिक्षकों को लाभ हुआ था। तो ये बड़ा निर्णय इस वक्त की, जो कि कैबिनेट मीटिंग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षकों के न तो वेतन विसंगति पर कोई निर्णय लिया गया और न ही प्रमोशन पर किसी प्रकार का निर्णय लिया गया था। अर्थात साथियों, यदि मोटे तौर पर हम बात कहें तो सहायक शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है, न तो वेतन विसंगति दूर हुई और न ही उनको मिला पदोन्नति की सौगात। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।